नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और नए वीडियो में, जिसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2021 की बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क के न्यू कलर के बारे में। इससे पहले मैंने आपको ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन दिखाया था, और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका ब्लैक और सिल्वर का मतलब कॉम्बिनेशन दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें जो ग्राफिक वर्क है ये देखा जाए तो टोटली चेंज किया गया है। इस बाइक में देखा जाए तो सिर्फ कॉस्मेटिक अपडेट हुआ है, बाकी सारी चीज़ें पहले की तरह सेम है। देख सकते हो ये वाला जो ग्राफिक वर्क है ये अब आपको नया देखने को मिलने वाला है इस बाइक में। इसका जो साइड बॉडी पैनल है यहाँ पर, ये पहले क्या था कि ब्लैक में आता था, अब ये ग्लॉस कार्बन फाइबर टेक्स्चर के साथ में आता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस है 1,29,600 रुपीज़ ऑन रोड भिलाई। बाकी आप अपने सिटी की प्राइस अपने नज़दीकी डीलरशिप से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, बाकी की सारी डिटेल्स आप वहां से ले सकते हैं। प्राइस देखा जाए तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है आपकी सिटी और मेरी सिटी में। तो कलर ऑप्शन की यहां पर बात की जाए तो कलर ऑप्शन की अब तो मतलब यहां पर भरमार हो चुकी है, बौछार हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बारिश ही हो रही है, बहुत सारी कलर ऑप्शन आ चुकी है। तो अब इसके कलर ऑप्शन के बारे में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी जितनी भी कलर ऑप्शन रहेगी मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दे दूँगा, आपको कौन सा कलर पसंद आया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इसका पूरा डिटेल वॉक अराउंड। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो यहाँ पर ये जो वाइज़र है ये टिंट ब्लैक में नज़र आ जाती है, ये देखा जाए तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट साइड में देख सकते हो, यहाँ पर आ जाता बजाज का लोगो, दो पायलट लैंप यहाँ पर नज़र आ जाते हैं। हेडलैम्प की यहाँ पर बात की जाए तो हेडलैम्प इसमें मल्टी रिफ्लेक्टर सेटअप में नज़र आ जाता है। इसके पायलट लैंप भी देखा जाए तो जैसे आप पास लाइट ऑन करते हो तो ये भी ऑन हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। इंडिकेटर की यहाँ पर बात की जाए तो इंडिकेटर इसमें बल्ब टाइप में आ जाते हैं, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है। थोड़े से ये बेशरम टाइप के, गाड़ी अगर गिर भी जाती है तो इतनी जल्दी टूटते नहीं है, हालाँकि देखा जाए तो इनका इतिहास बहुत पुराना है, ये जल्दी उतनी जल्दी नहीं टूटते। बहुत सारी गाड़ियों में देखा है मैंने, हीरो वगैरह में भी आजकल यही इंडिकेटर यूज़ किया जा रहा है बजाज वाले। थोड़ा सा ग्राफिक वर्क यहाँ पर भी नज़र आ जाता है। फ्रंट का जो मडगार्ड है वो कुछ ऐसा रहने वाला है, यहाँ पर भी फेक कार्बन फाइबर टेक्सचर नज़र आ जाता है। ये देखा जाए तो हॉट स्टैंपिंग नहीं है, ये मतलब देखा जाए तो स्टिकर है फेक कार्बन फाइबर टेक्सचर की। यहाँ पर भी देखेंगे तो थोड़ा सा ग्राफिक वर्क नज़र आ जाता है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में यहाँ पर टेलीस्कोपिक फॉर्क देखने को मिल जाते हैं, थिकर फॉर्क है, देख सकते हो थिकर फॉर्क इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पर ऑरेंज रिफ्लेक्टर नज़र आ जाते हैं इसके फॉर्क पर। अब इस साइड में आते हैं तो यहाँ पर फ्रंट ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में यहाँ पर सिंगल डिस्क ब्रेक नज़र आ जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो 280mm की डिस्क प्लेट है, डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ में। ये देखा जाए तो इसको एक्सियल कैलिपर बोला जाता है। KTM वगैरह में अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्या है कि USD फॉर्क आते हैं, उसके साथ में आ जाता है अपना रेडियल कैलिपर, ये है इसका एक्सियल कैलिपर, मतलब इसको नाम दिया गया है, ये भी बता देता हूँ। अब इसके टायर सेक्शन की बात करें तो इसमें 90x90 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं 17 इंच के एलॉय व्हील में। यहाँ पर व्हील के साइड रिमिट पर मतलब ग्राफिक वर्क आपको नज़र आ जाता है। थोड़ा सा अपन इसको घुमा के दिखाते हैं तो यहाँ पर व्हील के साइड रिमिट पर कुछ इस तरीके का ग्राफिक वर्क नज़र आ जाता है। अब इसके टैंक साइड में आ जाते हैं तो इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें देखा जाए तो 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। फ्यूल टैंक भी आप देख सकते हो थोड़ी सी मस्कुलर और हैवी सी इसमें दी जाती है। यहाँ पर टैंक पैड नज़र आ जाता है, ये इसका फ्यूल कैप कुछ ऐसा रहने वाला है। देखा जाए तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें ऊपर से प्लास्टिक की बॉडी शैल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी स्टील बॉडी टैंक इसमें मिलती है। यहाँ पर पल्सर की 3D बैजिंग और ग्राफिक वर्क जैसा कि मैंने आपको कहा इसमें चेंज हो चुका है, मतलब कॉस्मेटिक अपडेट किया गया है इस बाइक में। इसका देखा जाए तो क्रैश गार्ड अभी इसमें नहीं लगा हुआ है, जब आप इस बाइक को रेडी कराओगे तो उस टाइम में आपको डीलरशिप से लगा कर दे देंगे, हालांकि वो अभी वहाँ देख सकते हो यहाँ पर लगी हुई है, PDI नहीं हुई इस वजह से अभी नहीं लगी हुई है, जब आप लोगे तो आपको लगा कर दे देंगे। दो डुअल टोन हॉर्न यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर एक एथलेटिक कन्वर्टर, ओटू सेंसर यहाँ पर नज़र आ जाता है। इंजन बैली कुछ ऐसी रहने वाली है, यहाँ पर भी देखोगे तो थोड़ा थोड़ा सा ग्राफिक वर्क आपको नज़र आ जाता है। इसमें देखा जाए तो साइड स्टैंड एंड सेंटर स्टैंड दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। सेंटर स्टैंड का एडवांटेज ये होता है जब आप अपनी बाइक को वॉश या फिर चैन लूप या फिर क्लीन करते हो तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है। साइड बॉडी पैनल देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, प्रीमियम सा साउंड करता है यार, देख सकते हो काफ़ी मस्त लगता है ये। थोड़ी सी मतलब छोटी सी ग्रिल मिल जाती है और यहाँ पर देखेंगे तो की स्लॉट की स्पेस मिल जाती है जिसकी मदद से आप इसके साइड बॉडी पैनल को ओपन कर सकते हो। इस साइड में बैटरी कंपार्टमेंट है, उस साइड में एयर फिल्टर आ जाता है। अब इसका जो गियर पैटर्न है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर गियर पैटर्न आप देख सकते हो एक नीचे बाकी सारे ऊपर, यानी इसमें 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है तो एक नीचे बाकी 4 जो है वो ऊपर साइड में लगने वाले हैं।
अब राइट साइड के स्विचेस की बात करें तो राइट साइड में मिल जाता है इंजन किल स्विच, इलेक्ट्रिक स्टार्ट की स्विच, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, ब्लैकआउट फिनिश में ब्रेक एंड क्लच लीवर मिल जाते हैं। मिरर अभी देखा जाए तो इसमें नहीं लगा हुआ है, जब आप इस बाइक को रेडी कराओगे तो इसमें आपको लगाकर वो दे देते हैं। क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाते हैं, देखा जाए तो ये काफ़ी कंफर्टेबल साइड में, अभी तक कोई इशू नहीं आया किसी को। देखा जाए तो कुछ लोगों को आया भी होगा तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हर ज़्यादातर लोगों को मैंने ये सुना है कि इसकी जो राइडिंग पोस्चर है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। चाबी दिखा देता हूँ, तो कुछ ऐसी की रहने वाली है, छुटकू सी की मिल जाती है। इसमें की रिंग ज़रूर से लगाना यार, देख सकते हो काफ़ी छोटी सी है। अभी तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको जेब में भी रखा था तो मुझे मिल नहीं रही थी, इतनी छोटी सी है ये। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की यहाँ पर बात की जाए तो जैसे ही आप इसको ऑन करते हो, मतलब की ऑन करोगे, तो ये एक बार पूरा स्वाइप मारता है। इसमें देखा जाए तो डिजिटल प्लस एनालॉग का सेटअप, यानी सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें नज़र आएगी, यहाँ पर सबसे पहले तो फेक कार्बन फाइबर टेक्सचर नज़र आ जाता है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साइड्स में। एनालॉग साइड्स में देखो, मतलब एनालॉग साइड में देखोगे तो एनालॉग साइड में आ जाता है इसका आरपीएम गेज, यहाँ पर इंजन माल फंक्शन लाइट ग्लो हो रही है, आरपीएम लिमिट की लाइट, और क्या क्या लाइटें वो भी बता देता हूँ। इसका जो साइड स्टैंड अभी डाउन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर साइड स्टैंड इंडिकेटर आ जाता है, लो बैटरी इंडिकेटर, ये इसका स्पीड मीटर है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप वन, ट्रिप टू, और ये ओडोमीटर की मेन रीडिंग, और यहाँ पर आ जाता है इसका फ्यूल मीटर, ये यहाँ पर नीचे में देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में नहीं, कुछ समय पहले ही इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के इंटरफेस में चेंज किया गया था, और फिर उसके बाद से ये अभी वैसा का वैसा ही चला आ रहा है। अब इसके लेफ्ट साइड के स्विचेस की बात करें तो लेफ्ट साइड में मिल जाता हॉर्न, एक बार सुनते हैं इसका हॉर्न, तो इसमें डुअल टोन हॉर्न मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड साइड में। इंडिकेटर, लो हाई बीम, पासिंग की स्विच मिल जाती है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें भी देखा जाए तो वाइट कलर की बैकलाइट आ जाती है। यहाँ पर देखोगे जब रात वगैरह में, मतलब रात वगैरह के, अब तो ये BS6 बाइक है तो जैसे ही आप गाड़ी ऑन करोगे ना तो यहाँ पर लाइट ग्लो होती नज़र आती है वाइट कलर में। एक्सटेंशन काउल पर भी देखोगे तो थोड़ी सी ग्राफिक वर्क नज़र आ जाती है। अब इसके इंजन के बारे में बात करें तो इसमें मिलता है 149.50 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 12 एयर कूल्ड FI मोटर। पावर की बात करें तो 14 BHP की पावर मिल जाएगी 8500 RPM पे, एंड टॉर्क की बात करें तो 13.25 Nm का टॉर्क मिल जाता है 6500 RPM पे। ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है, क्लच टाइप वेट मल्टीप्लेट डिस्क का ट्रांसमिशन टाइप, चैन ड्राइव है। माइलेज की यहाँ पर बात की जाए तो 45 km/h तक की माइलेज की उम्मीद आप इससे कर सकते हो। अगर आप तौर तरीके से चलाते हो तो आपको काफ़ी अच्छा माइलेज मिल जाएगा, नहीं तो भैया नागिन डांस वालों तो भूल ही जाओ, माइलेज तो किसी बाइक में आपको नहीं मिलेगा। अब फुल टैंक रेंज की बात की जाए तो 720 km की फुल टैंक रेंज मिल जाती है। टॉप स्पीड की बात करें तो 110 km/h की टॉप स्पीड रहने वाली है। अब इसके डायमेंशंस के बारे में बात करें, इसका जो कर्व वेट है वो 150 kg का है, 2035 mm की लेंथ है, 750 mm की विड्थ है, 1115 mm की हाइट मिल जाती है, 1345 mm का व्हील बेस मिल जाता है, 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि काफ़ी अच्छी है। इंडियन रोड ब्रेकर एंड बम को काफ़ी इजी तरीके से ये क्रॉस कर सकती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो रियर टायर है वो थोड़ा सा नॉबी पैटर्न में आ जाता है, बाद में आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं तो इसमें देखा जाए तो ओपन चैन कवर मिल जाता है, चैन को आपको हर 400 km/h पर क्लीन एंड ल्यूब करना होगा। यहाँ पर देखते हैं सारी गार्ड कुछ ऐसा रहने वाला है। इसमें देखा जाए तो कोई भी साइड फुटरेस्ट नहीं मिलता है, ये जो इसका क्रैश गार्ड है वो वहाँ लगता है, लेकिन अभी यहाँ पर लगा हुआ है, कंपनी से ऐसी लगकर आती है। ये इसका रियर फुट पैक, बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म मिल जाती है, स्टेबिलिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। अब इसके रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो रियर में ट्विन नाइट्रॉक्स शॉक एब्जॉर्बर मिल जाते हैं, 5 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ में ये आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, बहुत सारी वीडियोस में मैं कहते आ रहा हूँ, अगर आप बाइक को चला रहे हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको इसकी, मतलब जो बाइक की कंफर्ट एंड कुशनिंग कैसी लगती है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आपका जो कमेंट है, कोई भाई अगर इस बाइक को लेने के बारे में सोचते हैं तो उसमें क्या होता है कि ना उनको काफ़ी, मतलब एक रफ़ आइडिया मिल जाता है कि इसकी बाइक की कम्फर्ट एंड कुशनिंग कैसी रहने वाली है, तो उसके हिसाब से वो जजमेंट कर सकते हैं कि उनको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। हालाँकि पल्सर तो देखा जाए तो ऐसी बाइक तो बिल्कुल भी नहीं है जिसको, मतलब इसमें देखा जाए तो बहुत ही कम ऐसा कुछ प्रॉब्लम या फिर दिक्कत आई होगी, बाकी टाइम में तो ये लीजेंड बाइक बनी है। बाकी आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसके सीट के बारे में बात करें तो इसमें देखा जाए तो स्प्लिट सीट मिल जाती है। कुशनिंग की यहाँ पर बात की जाए तो कुशनिंग थोड़ी सी हार्ड
है, देख सकते हैं थोड़ी सी हार्डर साइड में, पिलियन साइड वाली भी देख सकते हो। अगर आपकी हाइट 5.4 भी है तब भी आप इसको ईजिली चला पाओगे। इसमें देखा जाए तो स्प्लिट टाइप के ग्रैब रेल कुछ इस तरीके के मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा स्पॉटी बना देते हैं इस बाइक को। 150 की ब्रांडिंग और कुछ ऐसा ग्राफिक वर्क यहाँ पर नज़र आ जाता है। अब उस साइड में चलते हैं तो इसमें देखा जाए तो किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टार्ट के ऑप्शन के साथ में आती है। यहाँ पर बजाज DTSI पावर की स्टिकर नज़र आ, मतलब ब्रांडिंग नज़र आ जाती है। रियर ब्रेक फुटपैक कुछ ऐसा रहने वाला है। यहाँ पर भी हीट से प्रोटेक्शन के लिए गार्ड मिल जाता है। एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट कुछ ऐसा दिखता है इस बाइक का। इसमें देखा जाए तो मैट ब्लैक फिनिश के साथ में आ जाता है हीट शील्ड। अब आपको इस बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी सुना देते हैं। एग्जॉस्ट नोट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसके रियर ब्रेकिंग की बात की जाए तो रियर में 230 mm की डिस्क प्लेट मिल जाती है सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ में। टायर सेक्शन की यहाँ पर बात की जाए तो 120x80 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं 17 इंच के अलॉय व्हील में। जैसा कि मैंने कहा इसमें नॉबी पैटर्न यानी थोड़े से ग्रिप वाले टायर मिलते हैं, चिकने जो बोलते हैं वो चिकना टायर इसमें नहीं मिलता है। इसमें देखा जाए तो नॉबी पैटर्न के साथ में मतलब ग्रिप वाले टायर मिल जाते हैं, जिसमें अगर आप थोड़ी सी ऑफ रोडिंग कंडीशन पर भी इस बाइक को लेकर जाते हो तो उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है पंचर वगैरह को लेकर। बाकी पैटर्न आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा रहने वाला है। टायर भी देखेंगे तो थोड़ी सी वाइड साइड में, जिससे अगर आप बाइक को लीन वगैरह करने के बारे में भी सोचते हो तो आराम से कर सकते हो। रिकमेंडेड नहीं है, बस बता रहा हूँ, ये बहुत बार बोल चुका हूँ। यहाँ पर व्हील के साइड रिम बिट पर स्टिकर कुछ इस तरीके की नज़र आ जाती है। अब इसके रियर सेक्शन में आ जाते हैं, जो इसका टेल लैम्प है ये स्प्लिट LED में नज़र आता है। ब्रेक मार के भी दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसा रहने वाला है। ये इसका रियर इंडिकेटर सेम फ्रंट जैसा, नंबर प्लेट की लाइट, रेड रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट की स्पेस। रियर से अगर आप इस बाइक को देखते हो तो काफ़ी बल्की और हैवी नज़र आती है। बाकी ये बाइक आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस बाइक को लेकर आपकी कोई अदर ओपिनियन या फिर राय है तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस बाइक की अगर आपको टेस्ट राइड EMI से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप AVN बजाज भिलाई में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, IDs यहाँ पर फ्लैश हो रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो गाइज मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, ऑलवेज वेयर हेलमेट, राइड सेफ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।